से बड़ी खबर आ रही है, कानपुर में पुलिस हिरासत में लिए गए विनय कटियार। विनय कटियार को फिलहाल सर्किट हाउस में रखा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है और इस प्रतिनिधिमंडल में विनय कटियार भी शामिल हैं और जांच के लिए जहानाबाद जा रहे थे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, विनय कटियार को कर लिया गया है गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस की हिरासत में इस वक्त विनय कटियार है। विनय कटियार को सर्किट हाउस में नजरबंद रखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से आ रही है, जहां पर विनय कटियार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस वक्त विनय कटियार को सर्किट हाउस में नजरबंद करके रखा गया है। विनय कटियार जहानाबाद जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अनुराग अग्रवाल जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अनुराग, विनय कटियार को नजरबंद रखा जा रहा है या फिर गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए दिव्यांश, जहानाबाद मामले में विनय कटियार अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे और उसी समय कानपुर के जो जाजमऊ पुल है वहां पर पुलिस को पहले से खबर मिल चुकी थी, काफी तादाद में फोर्स वहां पर तैनात थी और वहां से ही इसको विनय कटियार को और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद वहीं पे जो कैंट एरिया है, कैंट एरिया के सर्किट हाउस में, जो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है, वहां पर विनय कटियार और उनके समर्थकों को रखा गया है। काफी आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनको निश्चित तौर पर हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस गिरफ्तारी के बाद से इनकार कर रही है और ये कह रही है कि अभी विनय कटियार को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो जहानाबाद ना जाए। और चूंकि दिव्यांश फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लग रहा है कि अगर विनय कटियार वहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे तो वहां के हालात जो कि अब शांतिपूर्ण हो चुके हैं, कहीं उसमें कुछ ना हो जाए, इसी वजह से अभी उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो वहां पर ना जाए। जी दिव्यांश। अनुराग, साफ तौर से अब ये मामला गर्मा रहा है, बीजेपी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जिसमें विनय कटियार शामिल किए गए और जहानाबाद के रवाना हुए, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। विनय कटियार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? नहीं, देखिए अभी तक अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है, सिर्फ आला अधिकारी मौजूद है, विनय कटियार मौजूद है और उनके समर्थक मौजूद है और फिलहाल प्रशासन का पूरी तरह से ये सोचना है कि किसी तरह से इनको समझा बुझा कर यहीं से वापस कर दिया जाए, क्योंकि जहानाबाद की जो सीमा है वो कानपुर से लगी हुई है और यही एक रास्ता है जहां से वो जा सकते थे विनय कटियार अपने समर्थकों के साथ, तो वो जा रहे थे। और अभी प्रशासन बार बार गिरफ्तारी के बाद से इनकार कर रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको निश्चित तौर पे हिरासत में लिया गया है और सर्किट हाउस में रखा गया है। जी दिव्यांश। अनुराग, साफ तौर से ये एक ऐसा मसला है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ये माना जाता है कि एहतियातन विनय कटियार को हिरासत में लिया गया है ताकि जहानाबाद पहुंचकर कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए। हम दर्शकों को बता दें कि जहानाबाद में जिस तरह से स्थिति लगातार बिगड़ी थी दो गुटों के बीच झड़प के बाद, उसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई थी और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हुए थे, तो राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी गरमाई थी। अनुराग, पहले राजनीति बवाल, उसके बाद बयानबाजी और अब हिरासत में विनय कटियार। आप बिल्कुल दिव्यांश, देखिए जब ये जहानाबाद वाला मामला हुआ था तो एक अघोषित कर्फ्यू टाइप की स्थिति वहां पर हो गई थी और वहां की जो लगी हुई सीमाएं थी उनकी भी यही स्थिति थी कि आने जाने पर खास तौर पर उन नेताओं पर नजर रखी जा रही थी कि जिससे शासन प्रशासन को लगता है कि वहां की स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और इसी का नतीजा ये रहा कि आज जब विनय कटियार जा रहे थे, वहां अपने समर्थकों के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि चूंकि वो प्रतिनिधि मंडल में शामिल है तो उनका वो अपने उनका ये कहना था कि हम अपने काम से जा रहे थे, हमें वहां की रिपोर्ट बनानी थी और रिपोर्ट बना के सौंपनी थी, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इनके जाने से वहां पर हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के काफी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, इसी वजह से उनको हिरासत में लिया गया और फिलहाल प्रशासन की यही कोशिश है कि उनको वापस कर दी जाए। निश्चित तौर पर राजनीति तो हो ही रही है, क्योंकि सपा भी, इस सपा की सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में, वो भी फूक फूक के कदम रख रही है क्योंकि 2017 सामने है। जी अनुराग, आप सभी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।